इसके बाद जो तीसरा टाइप का प्रोटिस्टा है वो है यूग्लिनाइड्स। और जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं फ्रेश वाटर में। इससे पहले वाला जो दो कैटेगरी था आपने देखा था, क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्रेजिलेट्स, वो दोनों मरीन होते हैं, ज़्यादातर समुंदर में रहते हैं, मोस्टली मरीन, सब नहीं ज़्यादातर। और जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और फ्रेश वाटर भी कैसा, स्टैगनेंट, मतलब जहाँ पर रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे रहते हैं। और यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, जैसे बाकी इससे पहले वाले दोनों कैटेगरी में सेल वॉल था, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और सेल वॉल की जगह इसमें क्या होता है, पेलिकल होता है। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार नीट में पूछा गया है कि यूग्लिनॉइड्स के सेल वॉल में क्या स्पेशल चीज़ होती है, तो पेलिकल होती है। और इस पेलिकल की क्या खास बात है, ये उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका एग्जांपल ये है कि आप जैसे एक बलून देख लीजिए, ये बलून की शेप का होता है, एक बलून जैसा होता है। और वो बलून कैसा फ्लेक्सिबल होता है, बलून के अंदर जब पानी आप भर दीजिए तो ऐसे दाबेंगे कैसे, बलून प्रेस होता है, तो वैसे ही फ्लेक्सिबल होता है। और ये फ्लेक्सिबल क्यों हो पाता है, इस पेलिकल की वजह से। ये जो पेलिकल है सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पेलिकल है, जिससे वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजेला होते हैं, जो फ्लैजेला होते हैं ये कितने होते हैं, टू होते हैं। और एक फ्लैजेला जो होता है वो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत छोटा होगा एक बहुत बड़ा होगा, शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब ये है कि साइज़ में एक इतना बड़ा होगा तो एक इतना बड़ा होगा, तो इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे एक छोटा एक बड़ा, दो फ्लैजेला होते हैं, शॉर्ट एक लॉन्ग। और जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनमें न्यूट्रिशन दोनों टाइप के होते हैं। दोनों टाइप का मतलब क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। मतलब ये इनका जो न्यूट्रिशन है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है। जब इनको सनलाइट मिलती है उस केस में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जब सनलाइट नहीं होती है इस केस में ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और ये प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स दूसरों को मार के अपना खाना खाते हैं। और जो सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल भी कैसा होता है, जो हायर प्लांट्स में होता है। जैसे जो जो क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में होता है वही क्लोरोफिल यूग्लिनॉइड्स में भी होता है। और जब सनलाइट उनको मिलती है तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, इस क्लोरोफिल की मदद से। और जब सनलाइट नहीं है तब वो अपना खाना नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और एनसीईआरटी में यूग्लिनॉइड्स का एक एग्जांपल दिया है, यूग्लिना। एग्जांपल क्या है इसका, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, यूग्लिना ये है, यूग्लिना होता है इसका एक एग्जांपल।